यहां ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। क्या अक्टूबर में नहीं रिलीज होने जा रही है ट्रिपल आर? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, ट्रिपल आर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर कहा जाए कि ये साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ट्रिपल आर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को लेकर कहा है कि इसे अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, ये पोस्टपोन हो चुकी है। पहले खबर थी कि 13 अक्टूबर को इसे रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि अब ये 13 अक्टूबर को रिलीज नहीं होने जा रही। अब इस खबर के साथ फैंस का दिल भी टूट गया है, क्योंकि कब से हम इस फिल्म का वेट कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसे 2022 में रिलीज किया जाएगा, तो अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट हो रहा है। वहीं फिल्म मेकर ने ये निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि देश के अधिकतर हिस्सों में सिनेमाघर अभी बंद है। इसके साथ ही कुछ जगहों में खुले हैं तो वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुल रहे हैं। जब सिनेमाघर पूरी क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे, तब जाकर ट्रिपल आर को बॉक्स ऑफिस पर फिर से रिवाइव किया जाएगा। और ये सब तैयार किया जा रहा है ताकि ये जो फिल्म है वो अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया कर ले, क्योंकि मल्टी स्टारर ये फिल्म है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मेकर्स को भी इस फिल्म से होंगी। इसमें अजय देवगन है, आलिया भट्ट है, रामचरण है, जूनियर एटिया है, तो ऐसे तो इस फिल्म को जाने नहीं देंगे। वही जो मेकर्स हैं उन्होंने ये भी सहमति बना ली थी कि हम इसे OTT पर रिलीज कर देंगे, लेकिन डायरेक्टर SS राजामौली बिल्कुल भी नहीं मान रहे, क्योंकि उनका मानना है कि इसे बड़े पर्दे के हिसाब से बनाया गया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया गया है, और इतने बड़े स्टार्स बड़े पर्दे पर आएंगे तब जाकर मज़ा आएगा, और ये हम सबका भी मानना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि थिएटर में रिलीज़ होने के बाद इसे OTT पर रिलीज़ किया जाए तब उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसे थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा। वही दोस्तों, फिल्म की कहानी की बात करें तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की एक कहानी है, जिनके मार्गदर्शक होंगे अजय देवगन, और इन्हें जो फाइटिंग है, जो आज़ादी की लड़ाई है, उसमें मदद करते हुए दिखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है। इसमें ऑलरेडी जो मोशन पोस्टर्स है वो रिलीज किए गए, तमाम स्टार्स का लुक सामने आ गया, जिसने फैंस की जो दिलों की धड़कन थी और भी ज़्यादा बढ़ा दी, और इस फिल्म के आने की बिता भी और भी ज़्यादा बढ़ गई। ऊपर से इसमें आलिया भट्ट है, जो कि सीता का किरदार करने वाली है, सीता नाम है उनके कैरेक्टर का, ओलिविया मॉरिस होंगी, तो बहुत कुछ खास है इस फिल्म में। फिलहाल आप बताइए कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।